नहीं बल्कि पूरे देश का नौजवान युवा निराश है, हताश है, क्योंकि वो बेरोजगार, उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में अंधेरा है। इस अंधकार को मिटाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है कि जो संगठने हैं और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, उन नौजवानों के संघर्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग खड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर युवाओं की किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है, सबसे युवा प्रदेश। लेकिन बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त है उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया, जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन जवान नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में फिसड्डी साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई, उनको अपनी कुर्सी की चिंता रही, ना किसी नौजवानों से रूबरू हुए, ना बातें की, कोई संवाद जो है युवाओं के प्रति जो है उन्होंने नहीं बरतने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो जो है बिहार का नौजवान। और आप देखिएगा लगातार SSC की बहाली को लेकर के हो, परीक्षा को लेकर के हो, और जो BPSC का जो आपने देखा है स्थिति कि 5-6 सालों में भी जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती है, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन जो है 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाता। हम लोग लगातार जो है सवाल हम लोग पूछते रहे नीतीश कुमार जी से कि आप जो है बताइए, आपने कितनी रोजगार की जो है व्यवस्था आपने कराने का काम किया, आपने कितने कारखाने लगवाने का काम किया, आपने पलायन क्यों नहीं रोका। बिहार जो है गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब प्रदेश है तो बिहार है। आपने गरीबी हटाने के लिए, मिटाने के लिए आपने क्या काम किया, तो नीतीश कुमार जी का इस पे कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि हम खुद नौजवान हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दिक्कतों को हम जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा पढ़ाई लिखाई रोजगार जो बेसिक नीड्स है, डबल इंजन की सरकार कहती है कि भैया आप जो है आत्मनिर्भर बनिए, जब तक रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं होगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। ये सवाल जब पूछता है BPSC से बाहर खड़ा होकर के नौजवान पूछता है, जवान जो महिलाएं पूछती हैं कि भैया नर्स की बहाली कब होगी, पदे क्यों खाली हैं, तो यही नीतीश कुमार जी अपने डंडे बरसवाने का काम करते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कोरोना महामारी के बाद जो है बेरोजगारी जो है और बढ़ा, देश का GDP जो है -23 हो चुका है, नेगेटिव में चला गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिहार का GDP कहाँ होगा।